डरी डरी क्यों लग रही हो? भूत देख लिया क्या? मुझसे भी डरावना सपना देख लिया। आपको सोना है तो सो जाओ, पर अब मारी आंखों में नींद ना आवेगी। देख सुजाता, शांत हो जा। ऐसे गुस्सा करने से ना थारी तबीयत ही खराब होने वाली है, और कुछ होगा तो है नहीं। अरे कैसे शांत हो? आपने देखा ना कि आज भाई साहब ने अपने बेटे के लिए कैसे अपने सारे आदर्शों को तोड़ मरोड़ दिया। यही अगर कुछ साल पहले कर लेते तो आज हमारा संस्कार जिंदा होता। अगर उसे माफी ना दी, उसे घर में वापस ना आने दिया, तो फिर लक्ष्य को क्यों? भाई साहब हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी कैसे कर सके है? लेकिन आपके सामने बोलने का क्या फायदा? आपके मुंह में तो दही जमा रखे हो, जब देखो भाई साहब के नाका भजन गाते रहते हैं। हाँ तो कहीं करूँ? तो कहीं सोचती है हमारे को कहीं करना चाहिए, बता चल हमारे को। और तो जानती है ना कि ये घर भाई साहब का है, जे इस घर में शांति से रहना है, जे सुकून से रहना है ना, तो भाई साहब के नाम का चाहे अनचाहे भजन तो गाते रहने पड़ेंगे। हमारा तो बस नहीं चल रहा, नहीं तो कभी का भाई साहब से अपना हिस्सा मांग के अलग हो चुका होता, और अब तो वो भी नहीं कर सकता मैं तो। कैसे मांगोगे अपना हिस्सा आप उनसे, जब उन्होंने दिया था तब तो सारा डबो दिया आपने। अरे हाँ गलती होगी हमारे से, मानता हूँ गलती होगी, इंसान हूँ, गलती हो जाती है। गलती की सजा भी मिलती है और उसका भुगतान भी करना पड़ता है। भुगतान कर रहा हूँ, का या सुनाने की जरूरत नहीं है। आपकी मजबूरी होगी चुप रहने की। मारीना, अगर लग से इस घर में वापस आया ना तो मैं भी भाई साहब को दिखा दूंगी कि मैं कमजोर ना हूँ। उनके खिलाफ जाऊंगी, लेकिन लग से को वापस इस घर में कदम कभी ना रखूंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नींद नहीं आ रही थी, माँ के बारे में कुछ सोच रहा था। मैं भी। मुझे माँ को लेकर बहुत डर लग रहा है। सराब, तुम्हें अभी भी लगता है कि दादी कुछ गड़बड़ करेंगी? मेरा मतलब आज रात को वो सबसे इतने अच्छे से बात कर रही थी, उन्हें देख के लग नहीं रहा था कि वो। लक्ष्य, यही तो प्रॉब्लम है। दादी ने अपनी एक्टिंग से सबको इतना कन्विंस कर दिया, कोई भी मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगा। सराब, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई हो। दादी ने खुद मुझसे कहा था कि वो ये रिश्ता कभी नहीं होने देगी। क्या? आपने अभी भी इस रिश्ते को अपनाया नहीं है ना? एकदम सही। सबको बता दूंगी कि आप नाटक कर रही है, थारी बात पर कोई विश्वास ना करेगा। मुझे पता है तुम्हें भी मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा, पर सारा, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। सच में? क्यों? क्योंकि तुम कह रही हो और तुम कभी झूठ नहीं बोलती, मुझे पता है। थैंक यू। अरे अब इसमें कौन सी रोने वाली बात है? मैं रो नहीं रही हूँ। मेरी आंख में कचरा चला गया लक्ष्य, यही बोलने वाली थी ना। सराब, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जैसे हमने रागनी को सच बता के सब ठीक कर दिया, वैसे ही इस बात का भी कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। मैं एक बात बताऊं, रागनी बहुत समझदार लड़की है, उसने इतनी आसानी से अपने आप को संभाल लिया। तो फालतू में इतना उसे अभी भी सच नहीं पता है लक्ष्य। मतलब
मैंने तो उसे सब बता दिया। पर दादी ने तुम्हारी बातों को घुमा फिरा के उसे एक नई कहानी सुना दी। तारे को ना कहने के बाद लक्ष्य मारे पास आया था, मारे से कह रहा था जब तक ये दो परिवार ना मिल जाते हैं तब तक रागनी और अपने रिश्ते की बात आगे कैसे बढ़ा सकूं। थारी दादी माँ थारे को विश्वास दिला रही है कि लक्ष्य के साथ थारा ब्याह करके रहेगी। क्या तो इसलिए उसे मेरी इतनी चिंता हो रही थी, इसलिए वो मुझसे बार बार पूछ रही थी कि घर पे क्या हुआ, सब कैसे हैं। उसे लग रहा था कि मैं घर पे रिश्ते की, तभी दादी ने मुझे उससे ज्यादा बात नहीं करने दी और उसे वहां से ले गई। यार स्वरा ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, अब मैं क्या करूं। लक्ष्य में किसी भी तरह दादी की सच्चाई सबके सामने लानी होगी। दादी को सबके सामने एक्सपोज करना होगा। हमारे पास कोई प्लान है? है तो, पर मुझमें हिम्मत नहीं है। ठीक है, उस प्लान को हम दोनों मिलके पूरा करेंगे। मैंने बचपन में हिंदी की बुक में पढ़ा कि एक और एक मिलकर 11 होते हैं। हम दादी की सच्चाई सबके सामने लाएंगे। ओके पार्टनर। यस पार्टनर। आज का राशिफल, अपनी हरकतों का ख्याल रखें। ओए, देख के यार। सॉरी, हमें लगा कि आपने चेयर, तो मैं सॉरी। वो चेयर मैं लक्ष्य हूं। चलो मैं निकलता हूं। ये लो। आप इतनी सुबह इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? मम्मी बाहर खड़ा है, मेरा वेट कर रहा है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। बाय बाय। ये लक्ष्य पता नहीं कहाँ चला गया। कहाँ रह गए थे तुम? एक कुंडली रहने को कहा था, ताजमहल बनाने को नहीं कहा था। मैं सोरा, तुम बहुत मतलबी हो। एक तो मदद करो तुम्हारी, ऊपर से थैंक यू की जगह हमेशा मारती हो। सॉरी, अरे मैं मजाक कर रहा था। सॉरी, थैंक यू। ओ हेलो, थैंक यू बोल के एहसान कर रही हो क्या? पहले हंसो, तभी तुम्हारा थैंक यू मानूंगा। अरे हंसो। हाँ, मेरे साथ हमेशा ऐसी हंसती रहा करो, क्योंकि मुझे तुम्हारा उदास चेहरा पसंद नहीं है। क्यों? मेरी मर्जी, सबके अपने अपने फंडे हैं। अच्छा, अभी तुम्हें लेट नहीं हो रहा? जल्दी जाओ, शर्मिष्ठा आंटी और नानी तुम्हारा वेट कर रहे होंगे, कुंडली ढूंढ रहे होंगे। अच्छा लिसन, ऐसे असली वाली कुंडली कहाँ? उसे मैंने बहुत संभाल के रखा है, मेरी अलमारी के सेफ में। बाय बाय। थैंक यू। ओ सोमी, सोमी, पर तेरा कुंडली किधर है रे? पे तो होना चाहिए कहीं पे। क्या होगा अगर वो कुंडली नहीं मिला तो? है? मैं पार्वती को क्या जवाब दे रही? हाय हाय हाय, ये तो वो ऐसा ही परेशान हो तो दोनों को फ्यूचर को लेके। मैंने सोचा कि वो कुंडली दे देगा तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, अब क्या होगा?
मामा तुम ठीक कह रही हो, मैं एक बार स्वरा का लॉकर भी देख लेती हूँ, है ना, होगा भी तो वैसे उसके सेफ में ही होगा। हाँ। कुंडली ढूंढ रही हूँ। माँ, कुंडली मेरे सेफ में नहीं, मेरे हाथ में है। क्या आप इतने शौक होके क्यों देख रहे हो? मैं नहीं निकली थी सुबह। क्यों रे, तेरा कि इसके साथ जॉगिंग करना था? नहीं नहीं दीदा, मैंने तो पढ़ने के लिए निकाली थी, पर इसमें हिंदी और संस्कृत का इतना अच्छा कॉम्बो है, कुछ समझ में ही नहीं आया, सब बाउंसर गया। वो का सुबह से सबको परेशान करता है। मैं जाती हूँ पार्वती के पास। यारे, हो गया ना तेरा कल का मिस अंडरस्टैंडिंग, एकदम क्लियर हो गया? हाँ दीदा, सब कुछ क्लियर हो गया। वो क्या है ना कि दादी को हमेशा से बुरे नेचर के साथ देखा है, कभी उनका अच्छा नेचर नहीं देखा ना, इसलिए एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा था। अभी सब ठीक है। हाँ ठीक है, चल। शोमी, कितना गंदा कमरा कर दिया है, अब इसे कौन साफ करेगा? शर्म, शोना तो अपनी माँ का नाम ले रही है, रुक तुझे, अभी तो मैं रुक जा रही है। रुक तू। हेलो। हाँ सर। दीदा ने दादी को नकली कुंडली दे दी है। दादी, पंडित के पास जा रही हूँ मैं, तुम्हें पंडित के ऑफिस के बाहर मिलूंगा, ठीक है? ठीक है जी। जी, मैं सोच रही थी कि मैं जाके लक्ष्य को मिलाऊं और उसे समझाऊं कि वो वापस घर आ जाए। ठीक है, जाओ मिला उससे। भाई साहब, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहनी है। क्या मैं लक्ष्य से जाकर मिल सकती हूँ? बहुत दिन हो गए, देखा ना है उसे। हमारे संस्कार के बाद आदर्श और लक्ष्य ही मारे बेटे, एक के लिए तो मैं कुछ ना कर पाई। अब लक्ष्य को इतनी आसानी से अपने से दूर कैसे जाने? हाँ हाँ, तू जाना, भाभी साहब के साथ चली जा। माफ कीजिएगा जी जी, लेकिन आप बोलते वक्त ना भावुक हो जाएंगे, ऐसे में अगर उसने आने के लिए मना कर दिया तो आप तो जिद भी ना कर पाएंगे। मैं तो प्यार से डांट के कैसे भी उसे मना लूंगी, और फिर मारे से जो पुरानी गलतियां हुई हैं उसकी भरपाई भी हो जावे। ठीक है सुजाता, तुम ही चली जाओ। मैं थोड़ी देर में तैयार होकर चली जाती हूँ। आप यहां से जाइए पार्वती जी, समाज से निष्कासित लोगों की मैं कोई मदद नहीं कर सकता। पंडित जी, ये तो देखिए। आप मुझे रिश्वत दे रहे? ना पंडित जी, रिश्वत ना है, अरे आपकी दक्षिणा है, लेकिन ना चाहिए तो फिर कोई बात नहीं। अरे ना जी ना, दक्षिणा है तो कोई बात नहीं जी, मेरा काम है, मैं कर दूंगा। ये पंडित जी, ये देखो, आपको लड़की की कुंडली ना अच्छी तरह से बांचनी है, और वहां के बाद मारे छोरे की कुंडली ऐसे बनानी है कि इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में इन दोनों की कुंडली मिल ना सके, बस। ठीक है जी,
पंडित जी, अरे इतनी गर्मी हो रखी है, आपने पंखा भी ना चला रखा। दिए बुझ जावेंगे इसलिए बंद किया, और कोई बात ना। खिड़की खोल लूं? हाँ जी खोल लो जी। अनर्थ, घोर अनर्थ, ये बयान ना हो सकता। साची पंडित जी, यो बयान ना हो सकता, और यो ब्याह हो भी गया तो दोनों में से एक की मृत्यु हो जाएगी। खाटू श्याम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा पंडित जी, आपका भी धन्यवाद पंडित जी। चलो शुक्रिया जी। यो क्या, तो तुम्हारी दक्षिणा है? किस बात की दक्षिणा पंडित जी? अरे जो काम आपने किया ही ना, उसकी कैसी दक्षिणा? छोड़ो, ऐसे मुफ्त में काम ना करा सकूं मैं। ये लो, धन्यवाद। अच्छा रुको 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 पंडित जी, ये शगुन 101 आपके लिए। काम बन गया पार्टनर, चलो। नमस्ते चाची। ए छोरी, दूर हट, मैंने छू के मरा धर्म भ्रष्ट ना कर। लक्ष्य को बुला, मारे को बात करनी है उसे। तू जैसे छूते के मूड लगने ना आई हूं मैं यहाँ। लक्ष्य जी घर पे नहीं है, बाहर गए। चाची आप घर पे आके कुछ मिनट देखिए, चाची चाची की रट लगा रखी है तने। एक बात अच्छी तरह से समझ ले तू, मारा तारे साथ कोई रिश्ता ना, समझी? चाची आप ऐसा क्यों कह रही है? लक्ष्य तो खुद कोशिश कर रहे हैं कि टूटे रिश्ते वापस जुड़ जाए। और लक्ष्य को उस घर से सिर्फ माफी मिल सके, थारे साथ रिश्ता जोड़ने की इजाजत नहीं। जिस घर के बड़े बुजुर्गों को इतनी शर्म ना है कि एक जवान लड़की के घर में होने के बावजूद एक पराए लड़के को घर में रखते हैं, ऐसे गिरे हुए लोगों से मारे खाना का रिश्ता कभी ना हो सके। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आप होती कौन है मेरी रागिनी से इस तरह बात करने के लिए? माँ, ये लक्ष्य की चाची है आप? ये लक्ष्य की चाची है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये तुझसे इस तरह से बात करे। अच्छा, तो ये है थारी नई माँ? सही है छोरी, जिस औरत ने थारी जिंदगी बिगाड़ दी उसे तो अभी भी माँ माँ बोले है। और तू बेटी की शादी करने की उम्र में तूने अपने शादी करने का शौक चढ़ाया है? बस चाची, बस चाची। आ गए लाड साहब। चाची आप आंटी से ऐसी बात कैसे कर सकती हैं? थारे से तमीज का भाषण सुनने ना आई हूं मैं आप। ये सब नाटक बंद करें, यहाँ पे मारे साथ चल और चुपचाप भाई साहब से माफी मांग। चाची मैं कहीं नहीं जा रहा, और माफी मैं नहीं आप मांगेंगे, आंटी और रागिनी से। वो बावला हो गया क्या छोरे? मैं माफी मांगू इन लोगों से किस बात के लिए? क्या गलत काम है? मारा कोई रिश्ता नहीं है इन लोगों के साथ। पर मेरा है और हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। हमारे इस रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता। थारा दिमाग खराब हो गया छोरे, तू अभी भी नहीं समझ पा रहा है कि जे लोग थारा फायदा उठा रहे हैं। जिस दिन तेरी आंखों पर से जे फरेब की पट्टी हटेगी ना, उस दिन बहुत पछतावेगा।
संभल के। आप ठीक तो है ना? रागिनी, तुम रहने दो, वरना चाची तुम्हें समाज से निकाले का फिर से ताना देंगे। कोई बात नहीं लक्ष्य जी, हमें तो बचपन से यही सिखाया गया है कि हालात चाहे कुछ भी हो, हमें अपने बड़ों की इज्जत हमेशा करनी चाहिए। का तो बाद में देखूंगी। चल पार्वती, नाटक शुरू करने का वक्त आ गया। बाबन गालन को बुरी खबर भी तो देनी है। क्या कुंडली नहीं मिला? For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.